भाइयों और बहनों, मैं बोडोलैंड मूवमेंट का हिस्सा रहे सभी लोगों का राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5 दशक बाद पूरे सौहार्द के साथ बोडोलैंड मूवमेंट से जुड़े हर साथी की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सम्मान मिला है। हर पक्ष ने मिलकर स्थायी शांति के लिए, समृद्धि और विकास के लिए हिंसा के सिलसिले पर पूर्ण विराम लगाया है। मैं देश को ये भी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पूरा हिंदुस्तान इस अवसर को देख रहा है। सारे टीवी चैनल आज अपना कैमरा आप पर लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपने एक नया इतिहास रचा है, हिंदुस्तान में एक नया विश्वास पैदा किया है, शांति के रास्ते को ताकत दी है आप लोगों ने। भाइयों बहनों, मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहता हूं। कभी इस आंदोलन से जुड़ी प्रत्येक मांग समाप्त हो गई है, अब उसे पूर्ण विराम मिल चुका है। 1993 में जो समझौता हुआ था, 2003 में जो समझौता हुआ था, उसके बाद पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हो पाई। अब केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो आंदोलन से जुड़े संगठनों ने जिस ऐतिहासिक एकॉर्ड पर सहमति जताई है, जिस पर साइन किया है, उसके बाद अब कोई मांग नहीं बची है और अब विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता है और आखिरी भी वही है। साथियों, मुझ पे भरोसा करना, मैं आपका हूं। आपके दुख दर्द, आपके आशा अरमान, आपकी आकांक्षाएं, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, मुझसे जो हो सकेगा उसको करने में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं, बंदूक छोड़ करके, बम और पिस्तौल का रास्ता छोड़ करके जब आप लौट के आए हैं, कैसी परिस्थितियों में आप आए होंगे मैं जानता हूं, मैं अंदाज लगा सकता हूं। और इसलिए इस शांति के रास्ते पर एक कांटा भी अब आपको चुभ न जाए, इसकी चिंता मैं करूंगा। क्योंकि ये शांति का रास्ता, ये प्रेम का, आदर का रास्ता, ये अहिंसा का रास्ता, आप देखना, पूरा आसाम आपके दिलों को जीत लेगा, पूरा हिंदुस्तान आपके दिलों को जीत लेगा, क्योंकि आपने रास्ता सही चुना है।